सिंगर शॉन मेंडेस ने कोरोना वायरस पीड़ितों के लिए दिए 1.33 करोड़ रुपये। सोशल मीडिया पर लोगों ने की तारीफ। सिंगर शॉन मेंडेस ने कोरोना से लड़ने के लिए $175,000 यानी करीब 1,33,00,000 रुपये डोनेट किए हैं। शॉन ने कनाडा के एक अस्पताल को ये मदद दी है। इन रुपयों की मदद से अस्पताल जरूरी स्वास्थ्य संसाधन जुटाएगा। शॉन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करके इसकी जानकारी दी है। मशहूर एक्ट्रेस निम्मी का 87 वर्ष की उम्र में निधन। राज कपूर से दिलीप कुमार तक थे फैन। अपने जमाने के मशहूर एक्ट्रेस निम्मी का बुधवार की शाम निधन हो गया। वो 87 वर्ष की थी और लंबे वक्त से बीमार चल रही थी। वो बढ़ती उम्र की कई समस्याओं से पीड़ित थी और काफ़ी महीनों से व्हीलचेयर पर थी। उन्होंने मुंबई के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार 26 मार्च को होगा। उन्होंने बरसात से अपना फिल्मी डेब्यू किया और लोगों का दिल जीत लिया। इसके बाद उन्होंने अमर, दाग, दीदार, बसंत बहार, मेरे महबूब, कुंदन जैसी फिल्मों में काम किया। घर के सामने भीड़ देखकर भड़क उठे गीतकार मनोज मुंशी से, कहा बहुत दुखद। फिल्म केसरी के गीत तेरी मिट्टी के गीतकार मनोज अपने बालकनी से भीड़ का फोटो ट्वीट कर कहा, ये भीड़ मेरी बालकनी से नजर आ रही है। मुझे नफरत होती है जब कोई कहता है कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन अब मुझे लगता है वो लोग सही कहते हैं। लॉकडाउन के बीच वायरल होने लगा धर्मेंद्र का ये सॉन्ग दाल रोटी खाओ। बीते दौर के मशहूर एक्टर धर्मेंद्र की फिल्म ज्वारभाटा का गाना दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ एकाएक ट्रेंड करने लगा है। दरअसल लॉकडाउन के चलते लोगों को अगले 3 हफ्ते सीमित संसाधनों से काम चलाना होगा ताकि इस खतरनाक वायरस को देश में फैलने से रोका जा सके, और ये गाना अपनी इसी सादगी के चलते फैंस के बीच वायरल हो रहा है। कंगना ने रखा 9 दिन का व्रत, कहा समय का यही सदुपयोग है। कंगना ने बताया कि वो और रंगोली उपवास पर हैं और सिर्फ शाम के वक्त ही खाना खाएंगी। उन्होंने बताया कि वो और रंगोली साधना करेंगी। रंगोली ने संभावी मुद्रा सीखी है, वो उसी को करेंगी। कंगना ने बताया कि इस वक्त टाइम है तो समय का सही इस्तेमाल करिए। उन्होंने शरीर के चक्रों के जरिए एनर्जी बैलेंस करने के लिए कहा। ट्रोलर्स पर बुरी तरह भड़के ऋषि कपूर, बोले मेरे देश का मजाक उड़ाया तो डिलीट कर दूंगा। दरअसल ऋषि कपूर ने पीएम के लॉकडाउन का समर्थन किया तो कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने पीएम मोदी का समर्थन करने को लेकर उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उनसे अजीबोगरीब सवाल पूछने लगे। ऐसे में ऋषि कपूर भी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सके और उन्होंने ट्रोलर्स को अपना देश का मजाक उड़ाने वालों को डिलीट करने तक की चेतावनी। कनिका कपूर को लेकर तापसी पन्नू ने दिया बड़ा बयान, कहा कि इस सब के लिए कनिका जिम्मेदार है। अगर उन्हें कोरोना पॉजिटिव होने की खबर नहीं थी तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि उन्हें इस बात की जानकारी थी और उन्होंने सबसे छुपाया और लोगों से मिली तो ये बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक और गैर जिम्मेदारी वाली बात है। तापसी ने कहा कि कनिका को वायरस की गंभीरता को समझना चाहिए, वो दूसरों की जान कैसे खतरे में डाल सकती हैं। सुपरस्टार चिरंजीवी ने माँ के साथ शेयर की फ़ोटो, फैंस को दिया ये स्पेशल मैसेज। उन्होंने अपने ट्विटर पर अपनी माँ के साथ फ़ोटो शेयर कर लिखा, होम टाइम मॉम टाइम। इस समय अपने पेरेंट्स और घर के बुजुर्गों का खास ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स के साथ सेल्फी लेकर मुझे भेजें। अमिताभ बच्चन ने बताया कैसे हो सकता है खड़ी ट्रेनों का सही इस्तेमाल। सोशल मीडिया पर शेयर किया आइडिया। उन्होंने बताया है कि कैसे अस्पतालों की कमी होने पर कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की मदद की जा सकती है। अमिताभ बच्चन ने एक स्नैप शॉट शेयर की है जिसमें लिखा है, एक आइडिया जो सभी सरकारी अधिकारियों को भेजा जा सकता है। इस समय लॉकडाउन के चलते सभी ट्रेनें खड़ी हैं, रेल की बोगियां भी जस की तस खड़ी हैं। हर बोगी में 20 कमरे हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने पिता के लिए घर में कैद हुई बॉलीवुड एक्ट्रेस अमायरा दस्तूर, उन्होंने एक फ़ोटो शेयर की है जिसमें वो हाथ में एक बोर्ड पकड़ी नजर आ रही हैं। इस बोर्ड को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने बताया कि वो अपने पिता के लिए घर में हैं। दरअसल अमायरा दस्तूर के पिता डॉक्टर हैं और इस बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि वो देश के नागरिकों के लिए रोज़ाना अस्पताल जाते हैं। इस पोस्ट को शेयर करते हुए अमायरा ने कहा कि अब हमारी बारी है सबकी रक्षा करने की और उन्हें ढेर सारा प्यार देने की।